उत्तर प्रदेश में इस साल मुहर्रम के मेले में गगनचुंबी ताजिया लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वांचल के महाराजगंज जिले में परसा मीर ग्राम सभा में बना ताजिया लोगों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना है और भारी संख्या में लोग इस ताजिए को देखने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों इस ताजिए की खासियत आपको बता दें तो यह ताजिया 15 फीट चौड़ा, 20 फीट लंबा और 45 फीट ऊंचा है। यह ताजिया इस ताजिए के निर्माण में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों का सहयोग रहा, इसलिए इस ताजिए को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जा रहा है। दोस्तों इस ताजिए के बनाने वाले कारीगर का नाम है अकबर अली अंसारी, बिशुनपुरा पोस्ट गोपाला के रहने वाले हैं और इस ताजिए को 2 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें कुल 1 वर्ष यानी 12 महीने का समय लगा है और इस ताजिए के मैनेजर हैं जिनके देखरेख में इस ताजिए का निर्माण किया गया, उनका नाम है हमीदुल्ला। दोस्तों ग्राम सभा परसा मीर में पिछले 5 सालों से हर साल ताजिए का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस साल का ताजिया बेमिसाल है और भारी मात्रा में जिले के अगल बगल के लोग भी इस ताजिए को देखने आ रहे हैं। इस ताजिए की सुंदरता को देखते ही बनता है। दोस्तों इस ताजिए में 4 चांद लगाया है इस कारीगर ने और इस कारीगरी को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और कारीगर को भी बहुत सारा इनाम मिल रहा है। दोस्तों आपको अगर भी इस ताजिया को देखना हो तो परसा मीर सिंदुरिया के बगल में ग्राम सभा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सूरज न्यूज देख रहे हैं, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं परसा मीर में, पोस्ट सिंदुरिया बाजार है। सिंदुरिया के बगल में जब आप नेशनल हाईवे से गुजरेंगे तो गोरखपुर से रोड चलती है, महाराजगंज सिंदुरिया होते हुए निचोड़ धूबी बारी रोड जाता है, तो सिंदुरिया के बगल में है परसा मीर गांव। उसी गांव में हम लोग आ गए हैं और विशाल ताजिए का निर्माण किया गया, आप देख सकते हैं। तो उसी ताजिए के संदर्भ में हम बातचीत करने आए हैं और मिस्त्री साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस ताजिए को कैसे बनाया गया, कितना समय लगा, कितना खर्च लगा इस ताजिए को बनाने में और इतना खूबसूरती कैसे इसको दी गई, तो सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। वीडियो में बने रहेगा, बहुत ही बेहतरीन आज का टाजिए है और जानने की कोशिश करते हैं आगे कहाँ पर मिस्त्री साहब हैं बगल में, तो मिस्त्री साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, कितना लागत लगा, तो सारी चीज़ें डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। मिस्त्री साहब आपका बहुत बहुत मतलब हमारे तरफ से स्वागत है और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब आप बच्चे से चीज़ में कहाँ रहने वाले हैं। दोस्तों इनका नाम, मिस्त्री साहब का नाम है अकबर अली अंसारी, ग्राम बिशुनपुर गोपाला और दर्पक महाराजगंज के, अपने महाराजगंज जिले के रहने वाले मित्र साहब। और दोस्तों मित्र साहब बताना है कि इस ताजियों को बनाने के लिए पूरे 12 महीने का समय लगा है, तभी जाकर इतना सुंदर रूप इसको दिया गया है और इस ताजिए के मतलब निर्माण में इतना खर्च लगा, इतना लागत लगा। और आप अकेले इसको बनाए अपने दम पर, अपने मेहनत पर इस ताजिए का निर्माण किया है और गांव के जो भी छोटे मोटे कारीगर थे लोग, उन्होंने भी इनका भरपूर सहयोग किया। तो मिस्त्री साहब का यह काम बहुत ही काबिल तारीफ रहा कि इन्होंने अकेले ही इतने विशाल ताजिए का निर्माण बहुत ही शानदार तरीके से किया है। और गांव का देख सकते हैं तमाम लोग भी इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोग अभी ताजियों को देखने आए हैं। तो हमारा प्रयास था कि जो अपने महाराजगंज जिले में जहाँ भी बेहतरीन ताजिया बना है आपको दिखाने की कोशिश करूँ और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी ने वीडियो में, तब तक के लिए आपसे जा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।